Assalamu alaikum and welcome to DNA, Debate, News and Analysis. Mehngai, FATF, उसके बाद ये जो ट्वीट की है फैजुल हसन चौहान ने वो, और ये जो TTP की जो एक ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक स्टेटमेंट दिया है, इस पे आज बात करेंगे. जावेद इकबाल, इफ्तिखार अहमद एंड लेजेंडरी नन अदर देन सलीम बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं. बातचीत होगी एंड ऑफ कोर्स ही इज़ आल्सो अ लेजेंड. मैं इनको कहते नहीं बिकॉज ही इज़ एक्सेप्टेड. तो आज बात बड़ी चीज़ है कि ये जो महंगाई की हम जो बात करते हैं, वीकली इन्फ्लेशन 3.38%, ये SPI का है जो कि आपको बताता है हर हफ्ते, और अगले हफ्ते आपकी इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ने का भी इम्कान है. ये भी उन्होंने प्रेडिक्शन कर दी है, और ये सबसे हाईएस्ट है बाय द वे पिछले 3 सालों के अंदर से सबसे हाईएस्ट. अब हम यहाँ बैठ के इस गवर्नमेंट ने किया उसके, आई थिंक इनफ इज़ इनफ. क्योंकि हिना रबानी खर ने जो आज बड़ी इंटरेस्टिंग जो कल उन्होंने बात की है कि ये FATF के मुतालिक कि भाई सारे शरीक थे इसमें, स्टेट ऑफ पाकिस्तान था, गवर्नमेंट्स आएंगी गवर्नमेंट्स जाएंगी लेकिन स्टेट ऑफ पाकिस्तान. लेकिन महंगाई के ऊपर करेंसी बुखारी साहब डिप्रिशिएट हो रही है, वेजिटेबल प्राइसेस बढ़ गई हैं 81.76%, ये तो एक ही है. मुझे बताएं क्या करें. बिल्कुल सही आपने कंसर्न शो किया अपना, और मेरे ख्याल से हम सबका कंसर्न ये है कि हुकूमत ज़िम्मेदार है कीमतें बढ़ने की. जो भी हुकूमत वक्त है, चाहे उसकी पॉलिसियों का कसूर है, चाहे पिछली लेगेसी है, चाहे जो भी है, कोई सिटिंग गवर्नमेंट जो है इस इल्ज़ाम से नहीं बच सकती कि उसके दौर में महंगाई बढ़ रही है. और जैसा PG ने आपको बताया कि 3.38% जो है पर वीक, यानी एक हफ्ते की है ये. ऑलरेडी अगर आप ओवरऑल देखें तो 27.6 पे पहुंची हुई है महंगाई, और कहाँ जाएंगे, क्यामत आने वाली है क्या. मतलब एक आम आदमी का तो भुरकस निकल गया है, जिसकी आपने तनख्वाह तो 25,000 कर दी है, बड़ी मेहरबानी है आपकी जनाब, लेकिन जरा 25,000 में बिल तो बजट तो बना के दिखाएं इसका, कि कैसे वो गरीब आदमी गुजारा करेगा जिसने उसी में बच्चों को पढ़ाना है, जिसने उसी में बीमारी काटनी है, जिसने उसी में मरना जीना करना है, शादियां करनी है, किताबें लानी, कोई एक चीज़ है. तो ये जो है ना के पासिंग ओवर द बक, कि आप अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करने के बजाय दूसरे पर इल्ज़ाम लगा दें, ये बेहतर नहीं है ना पिछली हुकूमतों के लिए और ना हुकूमत वक्त के लिए. जब तक ये ब्लेम गेम होती रहेगी अवाम का मसला कोई हल होने वाला नहीं है. ये अपनी पॉलिटिकल बैटल लड़ते रहते हैं और गरीब अवाम जो है वो पिसते रहते हैं. वादा किया गया था कि जी मैं बजट के अंदर रिलीफ दिया जाएगा, वो बज़ाहर अभी तक वो रिलीफ नज़र तो आया नहीं है. ये जो आपने बात की कि तेल की कीमतें बढ़ गई हैं और तेल की कीमतों में कमी आ गई है, 7% कमी है जो $8 से की कम होने की वजह से अब $109 पर बैरल रह गई है. अब इसका इफ़ेक्ट जो है वो हम तक पहुंचेगा, गरीब आवाम तक के नहीं पहुंचेगा, मेरी मुराद है कि एक आम आदमी तक, ये अभी देखना बाकी है. क्योंकि अभी दो चीज़ें और हुकूमत ने करनी है, एक लेवी लगानी है और एक 17.5% एक्साइज टैक्स लगाना है. तो अगर कोई कमी आएगी भी तो वो अवामुन्नास तक नहीं पहुँचने वाली, हुकूमत तक ज़रूर पहुँचेगी. वो हुकूमत उसका क्या करेगी, अवाम को उसका कोई फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, ये तो मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में देखना पड़ेगा. दूसरी बात यह है कि मैं फिर दरख्वास्त करता हूँ हुकूमत वक्त से, खुदा के लिए अवाम के रिलीफ की बात करें. ये पुरानी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, ये 3 साल की पॉलिसियों का नतीजा है, कुछ एक नथिंग विल वर्क. आम आदमी जो है वो जब तंग आके गाली देगा या इत्तेजाज करेगा वो आपके खिलाफ. अच्छा जी, मेरी तो एक ऑब्जर्वेशन है जो मैं इफ्तिखार साहब से पूछूँगा और हमारे इकोनॉमिक एडवाइज़र के, जब कीमतें बढ़ती हैं और रात को तेल बढ़ता है तो आप सब पेट्रोल पम्प पर जाते हैं, जी कीमतें बढ़ गई हैं. अब कीमतें कम हुई हैं, जब इफ्तिखार साहब मुझे बताएं अब हमें रिलीफ मिल रहा है कि नहीं पेट्रोल का. मेरा नहीं ख्याल क्या वो मिलेगा, नहीं बहुत मुश्किल है. बुखारी साहब ने जो बात की मैं थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ, और एक इल्ज़ाम लगाया गया है मौजूदा हुक्मरानों पे, और मैं चाहूँगा कि वो मौजूदा हुक्मरान इस इल्ज़ाम का जवाब दें. इल्ज़ाम ये है कि आपने इक्तदार में आने के फ़ौरन बाद कीमतों की जो निगरानी करने की कमेटी थी और जिसकी क़यादत वज़ीर ख़ज़ाना करते थे, उसको आपने ख़त्म कर दिया. और यही मसला सूबों में भी आपने किया कि चीफ सेक्रेटरीज जो कमेटी की सरबाई करते थे आपने ख़त्म कर दी है. अगर ये दुरुस्त है तो उसका जवाब दिया जाए कि ऐसा आपने क्यों किया है, क्या ज़रूरत थी इसकी, क्या लॉजिक थी इसकी, क्या ज़रूरत थी इसकी, क्या लॉजिक थी इसकी आपको ख़त्म करने की. और अगर इन्होंने दुरुस्त नहीं कहा शौकत तरीन ने, तो फिर शौकत तरीन को एहसास करना चाहिए कि गैर ज़िम्मेदाराना बयान देने से स्टॉक एक्सचेंज भी ख़राब होती है, डॉलर का रेट भी ऊपर नीचे होता है,
लोगों के दिल में बददिली होती है, लोगों के बारे दिलों में जमहूरियत के बारे में भी खदशात जन्म लेते हैं। दूसरी बात जो है महंगाई की, अब इसमें जो चीज़ें बढ़ी हैं वो 28.91 हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल 11.43, बिजली 6.60। अब ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे तमाम बुनियादी ढांचे को हिला के रख देती हैं अगर इनकी प्राइसेस में इजाफा होता है, बाकी ढांचा फिर इस काबिल ही नहीं रहता। ये सब्ज़ी हो या टमाटर हो या अदरक हो या आलू हो, वो भी इससे इसलिए मुतासर हो जाते हैं जब ट्रांसपोर्ट का रेट बढ़ता है तो हमें लगता है कि उनकी भी कीमतें बढ़ रही। सो हमें महसूस करना चाहिए क्या है। अब एक सवाल और शौकत अली ने किया, इसका भी जवाब चाहिए, और मेरा ख्याल है कि आई डोंट नो कि इसका जवाब कोई देना पसंद करेगा नहीं करेगा। उसने कहा है कि जो बुनियादी चीज़ें हैं इंसानी ज़रूरियात में शामिल, क्या आप उनको वापस ला सकते हैं या नहीं? तो मुफ्ता इस्माइल साहब इसका जवाब दें, क्योंकि मुफ्ता पे आज ये भी तंज है, तनकीद है कि टॉफियाँ किससे बहुत पैसे कमा रहे हैं। अब देखिए वो टॉफियाँ बेचना उनका कारोबार है और ये सवालात ट्रॉफियों से तलक नहीं रखते, बहरहाल उनको जवाब देना होगा। एंड आई एग्री विद द बुखारी साहब के कोई जवाज़ नहीं है कि महंगाई आपके काबू में नहीं आई। उन्होंने कहा है कि अब जवाब देना होगा जावेद, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि वो एक बिस्किट बेचते हैं कोई, तो कहते हैं जी मैंने 4 रखने थे बिस्किट, लेकिन मेरे बेटे ने कहा कि 3 रखो क्योंकि 12 नहीं खा रहा, कि हम प्राइस नहीं बढ़ा, कि प्राइस नहीं बढ़ा सकते। अच्छा पीजे, कम टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि जो हमारे अहले इक्तदार हैं हमेशा से ही ये अपने इक्तदार की हवस में इन्होंने झूठे और खोखले नारों के ज़रिए हमेशा से आवाम को बेवकूफ़ बनाया और अपने इक्तदार सभी ने इक्तदार में आने के लिए ना अदारों को मुस्तहकम किया, ना अदारों को फाल किया, ना उनमें गवर्नेंस बेहतर हुई। मल्टीपल रीजंस हैं, सिर्फ और सिर्फ मकसद क्या है, इक्तदार में आना। इमरान खान ने 9-10 साल इस कौम को बेवकूफ़ बनाया कि मैं इक्तदार में आऊँगा तो इंसाफ होगा, महंगाई कम होगी, दुनिया में आपका नाम होगा, पासपोर्ट की इज्जत हुआ। इक्तदार में 3.5 साल में इस अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये 12-14 जमातें इकट्ठी हुई, 3 साल तो माशाल्लाह बाकी नहीं हुआ, जो कुछ भी किया इन्होंने तो कोई भी एक अपना एजेंडा पूरा नहीं किया ना। 12.5 और ये आगे 12-14 प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट गवर्नेंस के हवाले से एक्सपीरियंस्ड, बड़े लंबे लंबे नारे, इनको महंगाई के नाम पे नींदें नहीं आती थी, नवाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज शरीफ साहबा को, इन सब को इन्होंने आया जी हम महंगाई हम ख़त्म करेंगे, इस मुल्क से गवर्नेंस हम ख़त्म करेंगे। आए तो आप देख लें क्या हाल कर दिया इस कौम का। देखें कौम ने अपना घर चलाना है, 80% लोगों ने, उनको आपकी रेटिंग से कोई कंसर्न नहीं है, उनको आपके बयानियों से कोई कंसर्न नहीं, उनको उनका आपने ट्वीट से कोई कंसर्न नहीं, उनका कंसर्न है उनका घर, वो चलना चाहिए। उसके अलावा अगर आप उनको कह दें कि इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ी हैं, देखें वो गरीब लोग हैं, अगर इंटरनेशनल प्राइस ऊपर जाती है तो उनका घर का निज़ाम किसने चलाना है? क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम एज ए सोसाइटी एज ए कॉम इतनी इकोनॉमिकली नीचे चले गए कि पूरा खिताब। मुझे पिन पॉइंट करें ना, पिछली गवर्नमेंट की क्या फेलियर थी, मुझे इसका पिन पॉइंट दें। पहली बात यह कि उन्होंने गवर्नेंस के नाम पे आए, गवर्नेंस का उन्होंने जनाब मोहतरम किबला बुजदार साहब बैठाए, 12 करोड़ अवाम पे बेड़ा गर्क कर दिया। चले आपने बुजदार का कह दिया। नंबर टू उन्होंने कहा जी कि हम एहतसाब करेंगे, लूटी हुई माल इतना लेकर आएंगे कि ये मुल्क अपने पैरों पे कर्जे भी अदा करे। ठहर जाए ना, क्या किया? कुछ भी नहीं। अच्छा असल चीज आ जाती है कि इस हुकूमत का एक बहुत बड़ा फेलियर है। एक तो आने वाले वक्त में महंगाई, अवाम ये सुन लें कि महंगाई अभी बढ़ेगी, क्यों? सेल टैक्स लेवी लगनी है, 40% गैस इंक्रीज होनी है, उसके अलावा जो IMF की कंडीशंस हैं वो मीटअप नहीं होंगी उस वक्त तक जब तक डॉलर का रेट जो डिफाइन हो रहा है वो 235 के करीब की बातचीत हो रही है। सर, ये वो अंडरस्टूड नहीं, आज 235। अच्छा सिर्फ एक सवाल है, सिर्फ मेरा एक सवाल है जिसका मुझे जवाब चाहिए। इस हुकूमत ने 2 महीने लेट फैसला करके ये जो महंगाई की है, ये जो प्राइसेस बढ़े, 2 महीने लेट किया, इस कौम को 300 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। ये ऑन रिकॉर्ड बात है, सवाल हम कर चुके हैं। 300 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। सर दैट इज इन द पास्ट, आगे जाए ना।
क्यों इस कौम को पता होना चाहिए कि इनकी नलायकियों, कुताहियों, इख्तदार की हवस, लालच और इनकी ख्वाहिशात की वजह से गरीब आदमी पिस रहा है। मैं इनके जज्बात की बहुत कद्र करता हूँ कि दो ढाई महीने की गवर्नेंस के ऊपर जो इनके जज्बात हैं वो हमने तीन साढ़े तीन साल की नाकामियों के ऊपर कभी नहीं देखे इससे पहले, तो इन जज्बात की हम बहुत कद्र करते हैं। ये तो कहते थे हम तो तैयारी, हमारी टीमें तैयार हैं, हम वी आर ऑल प्रिपेयर्ड, हमारे पास डाटा भी है, हमारे पास इकोनॉमिक मैनेजर साहब ने हमारे इंटरव्यू में ये कहा, हम तो आप लोग तैयार होते हैं। अभी तो मैं बोले नहीं, उस बेचारे को तो अभी मौका नहीं मिला ना, इसाक डार साहब तो अभी नहीं तशरीफ लाए, जब आएंगे तो देख लेंगे उनको। गुजारिश ये है कि कसूर किसी का भी हो, चाहे मैंने कहा ना कि ये ब्लेम जो है इसको छोड़ दें, इस ब्लेम ने ना माजी में कभी को हल किया, मैंने सब की बात की है। नहीं नहीं, जवेद जवेद लेट हिम स्पीक, बिकॉज उन्होंने शुरू यहां से किया था कि वो उन्होंने जस्टिफाई नहीं किया था महंगाई को, बिल्कुल जस्टिफाई कर नहीं सकता। मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि पिछली हुकूमत जिन्होंने साढ़े तीन साल की थी, क्या उसमें महंगाई कम हुई थी कि बड़ी थी? उनके दौर में महंगाई बड़ी थी तो वो कौन होते हैं इनसे पूछने वाले कि महंगाई कैसे हो गई? हम तो पूछ सकते हैं, ये कौम को पूछ सकती है, अगर वो नहीं पूछ रहे तो ये कौम को चूना लगाएं झूठ बोल के, प्लीज गलत बयानी करके इख्तदार में आए तो फिर कौम को सीधा कह देनी हम अपने केसेस क्लियर करने के लिए प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। मैं अपने थीसिस की बात कर रहा हूँ, जो मैंने ये कहा था कि ये ब्लेम गेम बंद होनी चाहिए, मैं उस पे आर्गू कर रहा हूं। आप अपना स्कोर सेटल कर रहे हैं इस हुकूमत के साथ, पता नहीं क्यों स्कोर सेटल हो रहा है ना। अवाम की मैं बात कर रहा हूं, हम भी कर रहे हैं तकलीफ में गुजर रहे हैं। एक मिनट, बहुत सब ठहरिएगा, ये अवाम के साथ बहुत ज्यादती है जो हम करते हैं ऐसी बातें करके। अवाम को तैयार करना चाहिए जो मुश्किल आने वाली है, बजाय हम अवाम को ज़हनी मरीज बना दें और उनको वो झूठे वादों ने दबाई की इसके मरीज तो चुके हैं। आपने जो है यू हैव सेड इट, किसी और को भी तो टेबल पे बैठे हैं हम, बजाय हम आवाम को एक और लॉलीपॉप दें और उनको ये जज्बाती गुफ्तगू में किसी को मुर्दा इल्ज़ाम चढ़ा के आगे निकल जाएं, ये गलत है। आवाम को पता होना चाहिए IMF के साथ जो मुआहदा है उसके नुकसान हैं, वो नुकसान हमें भुगतने पड़ेंगे, लेकिन ये भी उम्मीद की जा रही है कि जब हम IMF की शराइत को मान लेंगे तो दूसरी जगह से हमें पैसे आने शुरू हो जाएंगे और फिर हालात में बेहतरी आ सकती है 3-4 महीने के बाद। ये है असल हकीकत। लेकिन अहले इख्तदार को कोई कुछ ना कहे, वो जो मर्जी करते हैं, इख्तदार के बदले प्राइम मिनिस्टर बने, चाहे वो इमरान खान हो चाहे शहबाज शरीफ हो, उनको कोई कुछ ना कहे। देखिए बड़ी सिंपल चीज़ है, इन्होंने कहा लॉलीपॉप फॉल्स प्रोमिसेस। पिछली गवर्नमेंट के पास एक अपॉर्चुनिटी बड़ी अच्छी थी, लेकिन 70-75% लग गया वो चोर है ये चोर है उसको पकड़ना सर सुने तो सही ना, उन्होंने वक्त वहाँ ज़ाया किया। ये जब आए, ये फायर फाइटिंग के लिए आए थे 1122, इन्होंने शुरू में यही कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। सर आप बात आप वाली आती है के नुकसान आवाम का है, ये जो बात कह रहे हैं ये ब्लेम गेम इज ओवर। अच्छा ये 300 अरब का जो नुकसान हुआ है इनके गलत फैसले की वजह से, वो 300 अरब का कह दिए ना यार, कौन ने करना है ना बाबा। सवाल ये कि सवाल बात ये नहीं, ये 300 की जगह तो नहीं जाना, या तो इन पार्लियामेंट से इस कौम को। जावेद साहब इस किस्म की बातें का कोई फायदा नहीं, तो कौम क्यों नहीं, आराम से, आराम से। फिर कौम क्या करे, फिर कौम क्या करे, तो कौम एक मिनट काम क्या करे, आराम से ठीक है। अगर ना लाए, अगर ये इन्होंने वोट फिर उन्हीं को दिया, फिर आप क्या करेंगे, फिर इस कौम के मुकद्दर, फिर हौसला कीजिए, बर्दाश्त करें, आप अवाम के मैंडेट पर इस्तेमाल करें या गली ना दे। ये अवाम, मैं कह रहा हूँ अवाम का मैंडेट लेके पूरी दुनिया को झूठ बोलकर आप आए, आप कहते कुछ भी नहीं है, ये दुनिया में आप समझते ये कुछ भी नहीं है। दुनिया में मैंडेट को गाली देने का ना रिवाज है, ना अभी तक कोई जस्टिफिकेशन, झूठ बोलने का जावेद एक ब्रेकिंग रिवाज है, ब्रेकिंग बयानी का रिवाज है, झूठ क्या झूठ क्या झूठ बोले, झूठ क्या बोला गया, इफ्तिखारी में आप इसमें गाइए क्या बोला, मार्च किस चीज का, नहीं झूठ क्या बोला, आपके तो किसने किया, लॉन्ग मार्च किसने किया, ओहो एक मिनट, लॉन्ग मार्च किसने किया था, पीपल्स पार्टी ने। तो आपको किसको बुरा कह रहे हैं, मैं इस हुकूमत को कह रहा हूं, मैं तो 12 की बात पर बोल रहा हूं, पहले आप फैसला करें, मैं तो 12 की बात, ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। आपने लॉन्ग मार्च एक पार्टी से मंसूब किया,
उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। क्यों? मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, एक वक्त आगे ब्रेक का, ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। हर एक का अपना अपना व्यू पॉइंट है। लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू DNA। जब भूख लगती है तो सारों की आवाज़ें निकलती हैं। जमात इस्लामी 25, 26, 27 पर ट्रेन मार्च कर रही है। इमरान खान नेचुरली एक अपोजिशन लीडर है, उनका काम तनकीद करना है, जिस तरह हम PDM को कहते थे, सो वो करें। और वो 9 को उन्होंने नेशन वाइड एक कॉल दी है। सवाल एक उठता है, 9 को नहीं, कल है, हर इतवार को। अब सवाल उठता है कि whether it was PDM, whether it is PTI or anybody, क्या कीमतें कम हो जाएंगी? No. This is what I want to know from you. No sir, बिल्कुल ही होंगी और मैं इस पर बड़ा क्लियर हूँ। असल में हमारा फिर वही मसला जो आएगा, हमारी आमदन क्या है और हमारे अखराजात क्या है, इस पर कोई डिबेट करने को तैयार नहीं। ये तमाम ये जो हमारे बैठे बुरा कहते हैं पॉलिटिशंस को, पोलिटिकल पार्टीज को, ये जो दूसरे अवामल हैं उन पर बात करने को तैयार नहीं, क्योंकि दूसरे अवामल पर जब ये बात करेंगे तो फिर पर जलने शुरू हो जाते हैं हमारे। कभी फिर नेशनल सिक्योरिटी का मसला आ जाता है, फिर उन्हें ऐसे मामला आ जाते हैं जिनको हम पब्लिकली बहस नहीं कर सकते, लोगों को बता नहीं सकते। मैं ये समझता हूँ ये वक्त है जब हम हकीकत का सामना करें कि अभी मुश्किल दौर आना है, उसको तैयारी करें हम उसकी। और जो लोग हैं, जो इनेविटेबल मुश्किल वक्त है, उसके अंदर आवाम को साथ देना चाहिए और लोगों को जो 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 खत गुरबत से नीचे खड़े हैं, हर कीमत पर हमें उनको बचाना है कि और नीचे ना चले जाएँ। वो सब्सिडी दे के बचाना है, एक्स्ट्रा मनी दे के बचाना है, बिल्कुल दैट इज वो उनका हक है, कोई एहसान नहीं हम उन पर कर रहे, उनका हक है। IMF कहता है नो सब्सिडी, नहीं IMF नहीं सब्सिडी उन चीज़ों पे जहाँ पे IMF रोकता है, हमें देखना पड़ेगा। अब ये वही बात फिर पीछे चला जाऊँगा ना, बात फिर कहाँ से कहाँ चली जाएगी। जिन लोगों ने ये दस्तखत करके हमें फंसा दिया, मैं उन पर बात करूँगा तो फिर ये मेरा दोस्त कुछ उनको डिफेंड बहुत दूर तक तो चला जाएगा, 11-12 पार्टियों को बुरा कहेगा। नहीं नहीं, 11-12 पार्टियों को बुरा कहेगा। प्रॉब्लम यह है, मैंने तो हमेशा ये कहा है कि वो 174 सफहात अवाम तक जाने चाहिए, लेकिन ये भी है कि अवाम को हम कंफ्यूज ना करें। कोई भी इसका हल नहीं है फौरी, कोई हल नहीं है फौरी। आपने बात की कि ऑयल की प्राइसेस बार कम हो रही हैं, मैं आपकी सोच का हामी हूँ कि वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट आना चाहिए हमारे पे। अगर वो पैसे कम हुए तो उसका फ़ायदा कम से कम पेट्रोल की बुनियादी कीमत, वो जो आप सेल टैक्स वगैरह ले कह रहे हैं उसकी बात कहना, बुनियादी जो कीमत है उसमें कमी आनी चाहिए, ये हमारी ख्वाहिश है। लेकिन देखना है कि वो उन्होंने क्या वादे किए हुए हैं। आप वादों से, मैं तो यहाँ तो फिर ऐसे लोग हिम्मत करें और ये जुलूस निकालें शहरों में कि IMF से मुआहदा ख़त्म किया जाए और हम निबड़ लेंगे। ये सरमायादार टॉप इस मुल्क का जो इन्वेस्टर है वो मुतालबा करे और IMF को मजा छोड़ दिया। बुखारी साहब, मैं आप पे आ रहा हूँ बिकॉज ये जो बात करेंगे, आई वॉन्ट यू टू रिस्पॉन्ड। ये जो अब जमात इस्लामी निकल रही है, अलायंस पार्टी है, यू थिंक के दिस इज दिस कैन और फ्रैक्चर? देखिए, गुजारिश ये है कि सियासी जमातों का तो काम ये होता है कि हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज भी करें। जमात इस्लामी जो है इस अलायंस का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसने महंगाई के हवाले से हमेशा उसका एक स्टांस रहा है। आज नहीं, आप लुक बैक द हिस्ट्री, काजी सैनम साहब के दौर में भी, दौर से भी हो रहा था। तो ये एज ए पॉलिटिकल पार्टी दे हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर एंगर और देयर प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज। सूरत हाल ये है कि अगर ये रियलिटीज़ हैं जिससे हम जान नहीं छुड़ा सकते, ज़मीनी हकायक हैं, तो वी हैव टू लिव विद देम। अगर हमने इनके साथ लिव करना है तो हुकूमत की पॉलिसी मेकिंग में और आवाम को अपनी कुव्वत बर्दाश्त में, ये दोनों का इम्तिहान है बुनियादी तौर पर। ये नहीं हो सकता कि जावेद सब चुटकी बजाएं और कीमतें कम हो जाएंगी, ऐसा ना दुनिया में कहीं हुआ है ना फर्स्ट वर्ल्ड में ऐसा होता है। एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के तहत चीज़ें अपनी ठिकाने पर आएंगी। जहाँ तक इंटेंशन का सवाल है, छोटी सी पीनट्स है ये, कोई रिलीफ नहीं है। मिसाल के तौर पर कि जो गरीब तबका है उसको उस कार्ड के ऊपर 2,000 रुपये रिलीफ देंगे, जो IMF ने तो नहीं रोका आपको, तो जो जितना हुकूमत रिलीफ दे सकती है उसके ऊपर कोई कदगन नहीं है, वो किया जा सकता है। और अभी भी
ये हम वसूख से नहीं कह सकते कि हुकूमत टोटली इम्यून है इस सूरत हाल से। बहुत खुश है वो, समझते हैं कि किसानों को इकतदार मिल गया है बस ये काफ़ी हो गया, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से वहाँ पर पैनिक है, वहाँ पर पैनिक होना चाहिए, वहाँ पर रेडिकल एक्शंस जो हैं वो मतवक्को भी हैं, वो नहीं करेंगे तो मार पड़ेगी उनको। देखिए बात मेरी सिंपल सी बात यह है कि IMF की जो इफ्तिखार साहब बात कर रहे हैं, हर क्वार्टर रिव्यू होता है, वो रिव्यू इसलिए होता है होगा ना, जाके क्वार्टर के सितंबर तक हमें ये बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। तो इस क्वार्टर का रिव्यू तो ये कर रहे हैं ना, इस सितंबर तक तो हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। इन्होंने कर जावेद, यहां पे पहले जावेद हमारे सुनने वाले जो कंडीशन है वो ठीक है। जावेद एक मिनट पहले हमारे सुनने वाले को बता दो कि अगला रिव्यू सितंबर में होगा, ये बता दो जरा। अभी ये रिव्यू तो कंप्लीट हो जाएगा तो अभी नहीं हुआ ना, सितंबर में होगा। अभी तो मीट मैनेजर्स की मीटिंग नहीं हुई, पैसे नहीं आए अभी तक, तो कहां से सितंबर में होगा ना ये मुआहदा जो हमने साइन किया। इफ्तिखार साहब ये अगले महीने इस पे साइन होने हैं अभी, उसके बाद अगला रिव्यू सितंबर में होगा और ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, फिर आपको नए प्रोग्राम के लिए तो जाना ठीक है। अगर ये एक्चुअल पिक्चर नहीं, फिर उसको जरूर से इफ्तिखार साहब कहते हैं छोड़ दो, कौम को हकीकत का पता होना चाहिए, कौम को हकीकत का ये पता होना चाहिए कि IMF का वादा हमने नहीं किया, मौजूदा 11 पार्टियों ने नहीं किया, जो आने वाला है आप उसके लिए अपने आप को तैयार कर लें। बिजली आपकी 7 से 8 रुपए यूनिट बढ़ेगी, गैस आप बिल्कुल बढ़ेगी 60%। ये चीजें बता रहे हैं IMF के बारे में लिखी हैं। आपका टैक्स, आपका जो टैक्स बढ़ेगा, उसके बाद आपकी तेल की कीमतें बढ़ेंगी और आपकी तनख्वाह हुकूमत को कहा, हुकूमत ने कहा मैंने वो काम नहीं करना। वो क्या है, उन्होंने कहा जनाब आप जो गैस और बिजली पे जो सर्कुलर डाटा है इस पे बात करें, वो इनसे कम हो नहीं रहा। वो कैसे कम होगा, करने वाली कैसे कम होगी, तरीका बता दो। ये ओ भाई तरीका नहीं है, नहीं जावेद साहब तरीका बताए ना। वो कहती है चोरी पकड़े, नहीं नहीं नहीं, ये हुकूमत चोरी क्यों नहीं पकड़ती, तरीका बताए ना। क्या वो चोरी पकड़ना एक महीने का काम है, ऐसे नहीं बात करो। एक सेकंड, क्या वो चोरी पकड़ना एक महीने का काम है, हुकूमत का काम नहीं है। नहीं पहले सवाल ये बताओ कितनी चोरी है, किसी ने तो स्टार्ट करना, अमाउंट कितना है, 2500 अरब रुपया सर्कुलर है, 2500 अरब रुपया, ना ना एक मिनट, वो चोरी की मालियत कितनी है अभी तक, 2500 अरब okay, चोरी हो चुकी क्या है। क्या आप तो वो करते हैं कि एक महीने में 2500 अरब रुपए की चोरी पकड़ी जाएगी, तो आप सिलेक्ट करें, तो उस चेक कर रहे हैं, उनको मौका तो दें, आप वो फिगर्स लाके लोगों को दे रहे हैं। मौका दिया तो 2 महीने आपने, और 2 महीने में 2500 अरब नहीं पकड़ा जा सकता, नहीं पकड़ा जा सकता, कौम का नुकसान कर दिया। कितने भाई बात हो गया, कितने भाई बात, फिर मौके की एक मिनट, एक मिनट भाई साहब, एक सेकंड ना, आखिरी सवाल, आप 2.5 महीने से पार्लियामेंट चला रहे हैं, आप क्यों नहीं रेजोल्यूशन लेकर आते कि ये जो डिस्को जहां चोरी होती है उनको प्राइवेटाइज किया जाए, क्यों नहीं करते बात, इंसाफ की कितनी आप लेके आए, इतना आसान नहीं है जितना आप कह रहे हैं। जो 2 रेजोल्यूशन पास किए वो आसान था, कोई नहीं उनमें इनका कोई भी, अच्छा प्लीज मेरी बात सुनो, आप जावेद साहब गलत बात ना करें, वो पाकिस्तान के पूरे आइंदा इंतखाबात से मुतल्लिक था, और अगर पाकिस्तान के पूरे आइंदा इंतखाबात पर ये बहस चल पड़ती तो हम तबाही की तरफ जाते। आप क्या बच्चों वाली बातें करते हैं जानबूझ के, वो तमाम के तमाम मामला इंतखाबी अमल से मुतालिक है, और उस पर एक मिनट ठहरो, और उसके लिए जो मुतालबा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जितनी मालियत वो चाह रहे थे उन मशीनों के लिए आपके पास नहीं थी, वो सबका हुकूमत के पास भी नहीं थी, और उन्होंने कहा था कि इसको टेम्परेरी तौर पे आप ट्रायल बेसिस के तौर पे इस्तेमाल करें, आपने वो मिशन में ना कर दी थी ना कि हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, इस्तेमाल करें आप। अच्छा बुखारी साहब ये बताइए कि ये जो आपने, आप इसको भी ऐड करें कि अभी हम बात पेट्रोल की कीमतें नीचे गई हैं, यू थिंक कि हमारी जो फाइनेंशियल हालात है पाकिस्तान के, क्या कैन दे अफोर्ड टू गिव अस एनी, नहीं हो सकता फिलहाल, मुश्किल है बहुत, नहीं हो सकता। मैं 2 बातें अर्ज करना चाहता हूँ, एक जावेद साहब आप जरा सुकून से सुन लीजिए मेरी बात, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि लेट फैसले से नुकसान होता है, कौम का नुकसान होता है, मगर वो आप तारीख नहीं सही जगह से शुरू करते ना, आप ये लेके गलत फैसला किया था, IMF लेट जाने का मुल्क को नुकसान हुआ, आपने कहा तो नहीं है, तो मैं याद दिला दूं, मैं कहूं आपने कभी भी नहीं कहा, आपने कभी नहीं कहा ये फैसला, मैं तो एक आपने तो ये भी नहीं बताया, आपने तो अपने आप को यहां पे मैं पूछ रहा हूं तुमसे, पूछ रहा हूं क्योंकि आप सिर्फ एक पार्टी को बुरा कहते हैं, दूसरी पार्टियों के बारे में आप बात नहीं करते, जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन से 12 इस मुल्क के अंदर हुक्मरानी की आप उनके बारे में गुफ्तगु करते हुए इतना करते हैं, प्लीज प्लीज लेट अस नो डिस्कस इट। उस 9 साल में आप 2008 के फिगर्स उठा के लिख लें, पाकिस्तान का लोन कितना था, 33 बिलियन,
पीआईए किधर था? प्रॉफिटेबल। रेलवे किधर था? प्रॉफिटेबल। स्टील मिल किधर थी? प्रॉफिटेबल। तमाम स्टेट इंस्टीट्यूशन ये आपको बताया किसने? 2008 से लेकर 2022 का सारा पलंदा उठा के देख खुद ही आपको जवाब मिल जाएगा। पीआईए प्रॉफिट में थी और स्टील मिल प्रॉफिट में थी। यही लोग कहते हैं कि स्टील मिल को इसलिए प्राइवेटाइज नहीं किया जाता, ये सियासी हुकूमतें डरती हैं क्योंकि वहाँ पे काम करने वाले मुलाजमीन को निकाला जाएगा। मुझे समझ नहीं आती इसकी ये स्टेटमेंट दुरुस्त है या कोई ऐसा जादू उनके पास था कि उनकी स्टेटमेंट। एक जुमला भाई साहब, ना 2008 में पीआईए प्रॉफिटेबल थी। आराम से सुने, आराम से सुने, 59 पहले आराम से बात सुने। उस पे डेट था, एग्जैक्ट फिगर में डेट था ना, डेट था ना। हाँ, तो आज कितना फिगर है? एक तो आप सुनते हैं, आपने 60 साल में 59 किया और 12 साल में कितना किया? पीआईए वाज इन लॉस फॉर लास्ट 30 इयर्स, आज की बात नहीं है। ऑल सर तमाम ये जो लॉस में जा रहे हैं, आपसे जो मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है वो ये है, हमें यहाँ चाहिए कि हम एक तो कोई राय दें कि जनाब आप ये नहीं इस ऐसे कर लें। जब हम राय नहीं देने की पोजीशन में तो ये ब्लेम गेम है जो मैंने इब्तिदा में आज की थी कि द ब्लेम कीप्स चेंजिंग, सॉल्यूशन कोई नहीं। मुझे मुदाखलत करनी पड़ी है अब उसने बात ढंग की। बात सुने कोताहियों में सब बराबर के जिम्मेदार हैं। एक मिनट प्लीज, खा वो उनका तलाक फौज से था और उन्होंने आके कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं माना और उन्होंने हुक्मरानी की और कम अरसा नहीं की। ये तमाम चीज़ें जो ये कह रहा है वो भी चाहते तो 30 years. नहीं, वो भी चाहते तो ये अपने अपने दौर में कर सकते थे। सो मेरा ख्याल है हम इस ब्लेम गेम से बाहर निकलें, इससे निकलना पड़ेगा और लोगों को हकीकत बताएं कि मुश्किल वक्त आ रहा है और गुजर जाएंगे हम उस मुश्किल वक्त से, इंशाल्लाह गुजर जाएंगे। मुझे यकीन है कि हम श्रीलंका नहीं बनेंगे, लेकिन लोगों को डिप्रेस मत करें। बिल्कुल सही बात है। और ब्रेक के उन्होंने स्टील मिल्स की बात की, उस दौरान हम स्टील मिल रशिया को बेच रहे थे, थोड़ी सी गलती हुई और वहाँ से प्यूटिन हमारे साथ नाराज़ हो गया था। ये मैं आपको बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, रशिया की रेपुटेशन का मसला था। करेक्ट। ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू DNA। सियासत, इकोनॉमी और हर चीज़ ये चलती रहेगी, लेकिन इसके और जो स्पिल ऑफ इफेक्ट्स है, पर्टिकुलरली अफगानिस्तान एंड ऑफ कोर्स इंडिया, ये क्या कर रहा है हमारे साथ, कितना इसका जोर है आज भी। बल्कि मैं एक स्टेशन है 103.6, वो शुरू हुआ और पाकिस्तान की बदखोइयाँ कर करके मैंने कहा यार आई विश ये लाइव होता तो उनको समझाते, लेकिन उन्होंने प्रोपेगेंडा अपना शुरू कर दिया हुआ है हमारे खिलाफ। ओके चले, बात आती है ज़बीला मुजाहिद ने जो एक स्टेटमेंट दी है कि TTP के साथ कोई मुज़ाकरात हुए और उन्होंने कह दिया है कि अफ़गानिस्तान में ये TTP जो है ये कभी भी वहाँ से पाकिस्तान पे अटैक नहीं करेगी। अभी आगे क्या होता है इसका बताएंगे जी। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ दो तीन बातें जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये कि स्पिन बोल्दक के इलाके में जो हेडक्वार्टर है जहाँ रॉ और NDS मिल के जहाँ से प्रोपोगंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फैलाते हैं वो सिलसिला अभी तक जारी है और उसका नतीजा ये हुआ है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत, जिनकी हम मदद करते करते अपना बेड़ा गर्क तकरीबन कर चुके हैं, जिनकी हमदर्दी में हमारे दिल जो हैं वो खून के आंसू रोते हैं, उन्होंने अब ये फैसला किया है कि उनकी फ़ौज की ट्रेनिंग जो है वो इंडिया में हुआ करेगी। ज़रा आप मुलाहज़ा फरमाएँ कि हो क्या रहा है पाकिस्तान के साथ। अब ये TTP जो है उनके ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब जो हैं वो एहसान कर रहे हैं हमारे ऊपर कि वो यानी सालिस का किरदार अदा करेंगे TTP और पाकिस्तान की हुकूमत के बीच। मेरे ख़्याल से ये अब हमें रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि अफ़गानिस्तान से हमें रवायत के आन मुताबिक, मैं वो मिसालें देना नहीं चाहता जो अफ़गानों के बारे में दी जाती हैं, ना मेरा मकसद है यहाँ पर किसी कौम की तजदीक करना, लेकिन वो एहसान मंद कभी किसी के नहीं हुए। मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो एहसान फरामोश हैं, लेकिन हमने जितनी भी कुर्बानियाँ उनके लिए दी, अपना बेड़ा गर्क किया, अपने 80,000 जानों की शहादत पेश की, हमने इकॉनमी के लिए अपना बेड़ा गर्क कर लिया, हम पिछले 40 साल से 40 लाख अफगानियों के होस्ट बने हुए हैं, लेकिन हमें
उसका फ़ायदा कोई नहीं है, उसके गाब में टेररिस्ट ज़रूर आ जाते हैं। क्यों जी? उसके गाब में क्लाशनकोफ कल्चर आया, उसके जवाब में नारकोटिक्स आया हमारे मुल्क में, ये हमें उनसे मिला है। अब वो सालसी करने चले हैं, होते कौन हैं वो सालसी कराने वाले? हमें उनके साथ मुज़ाकरात करने की बजाय अपने बॉर्डर को स्ट्रेंथन करना चाहिए। जितने वाकयात इस बयान के बाद हो चुके हैं अफगानिस्तान के कि हम अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, मेरे ख्याल से कुछ 2 दर्जन वाकयात हो चुके हैं टेररिज्म के, जिसमें बेपनाह हलाकतें हुई हैं और शहादतें हुई हैं हमारे सिक्योरिटी के लोग, और हमें पिनलाइज हमें करते हैं इंटरनेशनली। आई एग्री विद बुखारी साहब, और मैं तो समझता हूँ कि ये फिर वही है, कोई ख़ास कुवतें हैं वो अपनी प्रॉक्सीज को जिंदा रखना चाहती हैं। यही तो मुसीबत है कि सियासतदानों को तो हम बुरा कहते हैं, लेकिन ये मामला हम सियासतदानों के सामने पेश करने को तैयार नहीं है, उनसे ये पूछने को तैयार नहीं है कि जो हम ये फैसला करने जा रहे हैं इसके नतीजे क्या निकलेंगे। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचता है तो जावेद जैसे लोग उसको तो ज़िम्मेदार ठहराएंगे हमेशा सियासी पार्टियों को, कि सियासी पार्टियाँ नाकाम गईं, नालायक थीं, उन्होंने उस वक्त सवाल क्यों नहीं उठाया जब ज़बीला मुजाहिद ये कह रहा था, कौन सी पार्लियामेंट में डिबेट हुई? तो पार्लियामेंट में मैं पार्लियामेंटेरियन से भी कहूँगा भाई इसका नोटिस लो और इसकी ओनरशिप लो, बात खुद करो, क्योंकि कल रोने का फ़ायदा कोई नहीं है। कि बुखारी साहब ने कितनी बड़ी बात की है कि स्पिन वर्दाक में जो कॉम्बिनेशन है रॉ का और उनका इनकी खुफिया एजेंसी का, वो उनको हम जानते हैं वाकयात हो रहे हैं, मतलब आज भी वाकयात हो बलोचिस्तान में जितनी इंसर्जेंसी हो रही है उसके सारे फरारी कैंप और ट्रेनिंग कैंप जो है पाकिस्तान ने अपनी रेड लाइन डिफाइन की भी है। ये जो 4-6-8 हज़ार लोग पाकिस्तान को अगर ब्लैकमेल करना चाहते हैं तो दे आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। दूसरी बात जो अफगान हुकूमत जो अभी इंडिया का भी जिक्र किया, बिल्कुल ठीक बात की है, और बुखारी साहब वो तो खुद उन्होंने किसी ने नहीं माना, अभी उस हुकूमत का कोई स्टेटस ही नहीं है तो हम उन पर करने की पोजिशन में भी नहीं है। दो और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ देखें, पाकिस्तान ने स्वात के बाद एक सबक सीखा। सवाल में आपने देखा शरिया कोर्ट की भी इजाज़त दे दी, सारी चीज़ें दे दी, उन्होंने कहा जी कि पुलिस जो है वो शलवार कमीज पहनेगी, और फिर उन्होंने कहा जी इस एरिया में फौज कुछ मान लिया ना, सब कुछ मान लिया था, लेकिन फिर क्या हुआ? आज भी फौज को बहुत खौफनाक जंग लड़नी पड़ी। आज फाटा में वही चीज दोहराई जा रही है जिसको फौज ने कबूल नहीं करना और ना उनको आजादी से रहने देना। ब्रेक पे हम चलते हैं और ब्रेक के बाद हम आते हैं और एक बड़ा तज्जिया लेते हैं जावेद से। लेकिन एक और जो एक पॉइंट हमने डिस्कस करना है इस ब्रेक के बाद, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान को जो एक थ्रेट आई है ये फैजुल हसन चौहान एंड ही इज़ दी ओनली स्पोक्स पर्सन फॉर पीटीआई, इसकी में कितनी अथेंटिसिटी है, ये कूची कौन है या पूछी कौन है? विल बी टॉकिंग अबाउट दिस आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू DNA। सेनेटर सादिया अब्बासी ने भी कहा है कि भाई ये कोर्ट्स का क्या काम है, ये जो पैसे शैसे किधर हैं बताओ हमें, लेकिन फैजुल हसन चौहान की जो स्टेटमेंट है ये बताएं जी। देखिए जी, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है कि उनको इमरान खान साहब ने अगर सोल स्पोक्स पर्सन बना दिया है, यकीनी तौर पर वो एक सियासी आदमी है, उनको और जो ज़बान वो इस्तेमाल करते हैं, जो लफाजी उनके पास है, जो वोकैबुलरी उनकी है माशाल्लाह वही चाहिए इमरान खान साहब को, वो बिल्कुल ठीक मुनासिब इंतखाब है उनका। लेकिन जो उन्होंने बात की है वो बहुत खौफनाक है। इमरान खान साहब जो ये कहते पाए गए नहीं है, जो बाकायदा उनका स्टेटमेंट है कि मुझे कत्ल करने की साजिश की जा रही है, उसके बाद उनका स्पोक्स पर्सन अगर एक नाम लेके कहे कि उसको सुपारी दे दी गई है, ये इतना वैश्याना स्टेटमेंट है कि मुझे समझ में नहीं आती थी कि मैं इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करूँ। खुदा के वास्ते कुछ जिम्मेदारी का सबूत दें, आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, किसी ने पूछा है आपसे या आपको पता है कुछ ही कौन है, आपको पता है सिपारी किसने दी है? वो खुदा के वास्ते चौहान साहब को रहम करें इस कौम के ऊपर। और दूसरी बात अगर आप कहें तो मैं भी सादिया की बता, सादिया अब्बासी जो है वो रुकन है कायमा कमेटी की एक सेनेट की, उन्होंने सवाल उठाया कि जो डैम के लिए फंड जमा किया था जनाब उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब नज़ार साहब ने, वो ये कहती हैं दो काम, एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है डैम बनाना, और दूसरी बात ये कि पैसे जो हैं ये वापस करें हुकूमत पाकिस्तान को। अब ये इशू तो उन्होंने उठा दिया है, इसके ऊपर हाउ द सुप्रीम कोर्ट विल रिएक्ट या हुकूमत कैसे ये क्लेम करने जा रही है पैसे, आई थिंक ये कंस्पिरेसी है, ये अफगानिस्तान अब आ रहा है इमरान खान को मारने के लिए। बरहाल जी, मैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से एक मुतालबा तो मैंने ये किया है कि वो शौकत तरीन का जो मौक़िफ़ है उस पर अपना वजाहत करे, और एक आई विल डिमांड फ्राम दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान
कि ये जो फयाज़ हसन चौहान का ये ट्वीट है डेंजरस, इस पे मुकम्मल आज जब हम ये बात कर रहे हैं, वैसे तो मेरा ख्याल है आपको अब तक इस पे सोच लेना चाहिए था, एक्शन ले लेना चाहिए था, जो आपके अदारे हैं आप उनसे इंटरेक्ट करें, इतने बड़े लीडर की जान को अगर इस तरह का खतरा है। इमरान खान एक बयान ऑलरेडी दे चुके हैं कि मैंने रिकॉर्ड करा के कहीं रख दिया हुआ, और इस किस्म का बयान जबकि एक नाम भी आ गया है, तो मैं समझता हूँ कि नफ इज अनफ नाउ, और नो टाइम शुड बी वेस्टेड बाय द गवर्नमेंट, और अगर ये गलत है तो ही दिस मैन शुड बी पुट टू द टास्क। क्यों जी चाहिए? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप को ज़रा थोड़ी सी मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए। अवाम, पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान एज ए नेशन क्राइसिस से गुजर रहे हैं, स्वेयर इकोनॉमिक क्राइसिस है, इसमें इस तरह की इमेच्योर गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। पूरी कौम को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इमरान खान को कत्ल किया जा रहा है। सादा अल्फाज में अगर कोई ऐसी चीज़ है, आपके पास सॉलिड इन्फॉर्मेशन है, पाकिस्तान के अदारे मौजूद हैं, हुकूमत मौजूद है, स्टेट मशीनरी मौजूद है, आप उनके साथ राबता करें, उनको इन्फॉर्मेशन शेयर करें, ताकि दे शुड बी होल्ड रिस्पॉन्सिबल। जहां तक आपको सिक्योरिटी की जरूरत है, आप इमरान खान के लिए सिक्योरिटी है। जो बयान उन्होंने दिया है इसके जवाब में, तो फिर आवाम जानती है क्या होगा, इनके बराबर हाउस का घेराव करेगी, आग लगा दी जाएगी। देखें, अब ये बात ऐसे गलत हो जाए, ये बात गलत है, ये रियासत के खिलाफ है, ये हुकूमत के खिलाफ है। पहली बात तो ये है, जवेद ऐसे आगे नहीं जाते। अगर इस इल्जाम में रत्ती भर भी सच्चाई होती तो एक तो ये कि ये बयान इमरान खान के लेवल पर आना चाहिए था और हुकूमत से मुतालबा होना चाहिए था। मैं सिर्फ एक ट्वीट करने से मैं डिमांड करता हूँ हुकूमत पाकिस्तान से कि इसकी मुकम्मल इंक्वायरी कराई जाए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए स्टेट टू प्रोटेक्ट इमरान खान, इज योर ड्यूटी, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उससे भी बढ़ के मुल्क में आग लगाने वाली बात, वो तो बयान मत करें, आग लगाने जो कुछ करना है आपने पूरा मन तरीके से करें, वो वेरिफिकेशन मांग रहे हैं जी। नो नो, आई एम आस्किंग फॉर द गवर्नमेंट, मतलब अगर ये हकीकत है तो गवर्नमेंट को चाहिए बुलाए, इसको चौहान को बुलाए, इंक्वायर करे, डॉक्यूमेंट्स दे, अगर कोई स्पीच है, अगर कोई टेप है, अगर कोई वीडियो है, अगर कोई ऑडियो है, कौन लोग हैं? हसन चौहान से ज्यादा हमारी एजेंसी को पता होता है इस तरह की चीजों की, मेरा ख्याल दे वुड बी ऑलरेडी डूइंग, दे वुड बी डूइंग। जावेद थैंक यू, इफ्तिखार थैंक यू, एंड ऑफ कोर्स बुखारी साहब थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग डीएनए। अब एंड में मैं एक ही बात कहूंगा और बार बार रिपीट करूंगा, 15% आपने बढ़ा दिए, प्लीज कॉरपोरेट सेक्टर को भी कहें कि वो भी लोगों की तनख्वाहें बढ़ाएं, बड़ा मुश्किल है, और एक काम कर दें, एंड आई होप माई ब्रदर्स हैव विल एग्री, एजुकेशन फ्री कर दो हर जगह, या फीसें कम कर दें या एजुकेशन फ्री कर दें, प्राइवेट इदारों से भी सर मैं प्राइवेट को भी, ये बहुत अच्छा मुतालबा आपका, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ फुली, ये क्योंकि बहुत महंगाई होगी, यस, एंड आई होप समबडी लिसन्स टू अस, बट इफ नॉट प्लीज लुक आफ्टर पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।